हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी नीरास किचन में गृहलक्ष्मी के सभी दर्शकों को नीरा कुमार का प्यार भरा अभिवादन। तो आज मैं काम कर रही हूँ ओट्स के ऊपर। तो ओट्स के लिए मैं तीन चीजें बनाऊंगी। एक बना रही हूँ ओट्स ड्राई फ्रूटी चिक्की, एक कटलेट और एक ढोकला। और तीनों चीजें ऐसी हैं जो कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ है। जरूर आपने खाई होंगी, बनाई होंगी, लेकिन आप देखिए कि मेरे साथ मिलकर आप भी देखिए और बनाइए भी कि ये कैसा बनता है और कैसे लगता है। तो चलिए मैं शुरुआत कर रही हूँ। मैं अपने ओट्स को भून रही थी, ये ओट्स ड्राई फ्रूटी चिक्की के लिए। देखिए इसमें कोई घी नहीं डाला है, सिर्फ भून रही थी। 3 मिनट भूना है, अभी 1 मिनट और भून जाए उसके बाद में फिर मैं ढोकले का सामान पहले मिक्स करूंगी। और इसको लो टू मीडियम गैस पे ही भूनना है आपने, तो पता चलेगा आपको कि मैं कैसे कैसे क्या कर रही हूँ, आपको अच्छा भी लगेगा। और जो ये चिक्की है ना, सर्दियों में तो वैसे भी चिक्की सबको बहुत अच्छी लगती है खाने में, और ये कुछ अलग तरीके की है, जल्दी बनती है, खाने में स्वादिष्ट है। और ओट्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पर हम उसके बारे में नहीं बता रहे हैं कि उसकी कितनी अच्छी, उसमें कितने गुणों से भरपूर है, इसको हिंदी में जई भी बोलते हैं। तो ये मेरा हो गया है, इसको लगभग मैंने इसको 4 मिनट भूना है। और ये मेरा ये 1/4 कप था, तो मैं इसको निकाल दूं उसके बाद में हम शुरू करते हैं, क्योंकि बंद तो हो गई है गैस, लेकिन ये कहीं जले ना, ज्यादा ना भुन जाए। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि इस ड्राई फ्रूटी चिक्की के लिए मैं क्या क्या काम करने जा रही हूँ। 1/4 कप यानी कि 25 ग्राम के लगभग ये हमारे क्विकर वाले जो ओट्स होते हैं ना, ये वाले ओट्स हैं 1/4 कप। और यही 1/4 कप जो है वो हमारा इसमें हमने अखरोट है और बादाम है, 1-2 पिस्ते के आ गए हैं, वो ही है। तो ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये 25 ग्राम है, ये 25 ग्राम है। टोटल की बात पूछेगा तो मैं आपको बताती हूँ। ये 2 टेबल स्पून मेरा डेसिकेटेड कोकोनट है, इसके अलावा ये सजाने के लिए थोड़ा सा पिस्ता और बादाम की हवाइयाँ, काजू मैंने लिया हुआ है, ये ऑप्शनल है। और ये 1 टेबल स्पून जो है ये खरबूजे की मींग है, इसके अलावा छोटी इलायची है। और इसमें ये मैं गुड़ से बना रही हूँ, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, लगभग ये 70 ग्राम है। तो इसको मैं बनाऊंगी। उससे पहले दोस्तों मैं एक काम करती हूँ कि ढोकले के लिए मैं मिश्रण को फेंट देती हूँ, ताकि वो थोड़ी देर में मतलब फूल जाए। तो मैं बता दूं कि उसमें मैं क्या क्या डाल रही हूँ। ये मेरा ओट्स को मैंने हल्का सा भून के मैं दिखाऊं कि मैंने, ये देखिए इसको ये भून के मैंने हल्का सा भूना था, ज्यादा नहीं भूनना है, मुश्किल से 2 मिनट, ताकि वो गर्म हो जाए, और फिर उसको कर लिया। और ये है 1/4 कप ही मेरी ये सूजी है, इसमें डाल दी मैंने, ठीक है। और ये है मेरा 1/4 कप दही। ये तीनों चीजें मिला रही हूँ मैं, ये ओट्स के ढोकले के लिए। मैं इसको अभी बना के थोड़ा सा ढक के रख दूंगी, ताकि ये फूल जाए। गरम पानी मैंने किया, ये देखिए इसमें मैं ये 1/4 के लगभग ही इसमें मैं अभी पानी डाल रही हूँ, ताकि ये थोड़ा फूल जाएगा। उसके बाद में इसमें मैं क्या क्या डालूंगी, और ये बता दें आपको, ये हार्ट पेशेंट हो, डायबिटिक पेशेंट हो, ये किसी के लिए भी है तो ये अच्छा है, तो इसको जरूर बनाइए। ये मैं बीमारों के लिए नहीं बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी, लेकिन यदि आप बीमारों के लिए बनाए तो आप ना डालें या बहुत कम डालें। हार्ट पेशेंट्स के लिए बना रहे हैं, तो डॉक्टर दिन में 3 टीस्पून
तेल घी जो भी आप देते हैं उसकी बात करते हैं डाइटिशियंस, तो उस हिसाब से देखिए। और नहीं ये देखिए कम से कम 10-15 मिनट इसको होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा मैं अभी घी डालूंगी, ज्यादा नहीं थोड़ा सा डालूंगी। और इसमें मैं ये जो मेरे है ना ड्राई फ्रूट, इसे मैंने अखरोट बादाम लिए हैं और मैंने कुछ नहीं लिया है, आप काजू भी ले सकते हैं, अखरोट भी, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं अखरोट इसलिए मुझे लगा। और इसमें यह 2 या 3 पिस्ते आ गए हैं जिनको कि मैंने बारीक चॉप कर लिया था। तो ये देखिए ये कर रही हूँ मैं। ओट्स बहुत ही अच्छी चीज है, ओट्स की तो इतनी सारी चीजें आप बना सकते हैं, उसका पाउडर बना के रख लीजिए, आप आटे में मार सकते हैं, आप चीले में डाल सकते हैं, आप अप्पे बना सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते और बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। अब ये देखिए थोड़ा सॉटे होने लगा है, अब इसी में मैं ये खरबूजे की नींग भी डाल दूंगी, ये भी हो जाएगी। ये देखिए आवाज आपको आ रही है, ये बहुत ही अच्छी बनती है। अभी 2 दिन पहले मैंने बनाई थी और हम ही 2 लोग हैं घर में और फिर भी हम सब खा गए। और अब मैं ये जो मैंने भुने थे ना ये भी इसी में डाल दी है मैंने, घर की तरह बनाती हूँ और जो चीज बनाती हूँ जैसा दिखता है वैसा ही बनता भी है। इसमें कोई वो नहीं है कि मैं कुछ बना रही हूँ और कुछ गड़बड़ हो। अगर आप इसी तरह से बनाएंगे तो आपका सही बनेगा। ये देखिए ये मैं अब इसमें गुड़ डाल दे रही हूँ, ये देखिए। ये लगभग 70 से 75 ग्राम तक है, मैंने तोला था, मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये 70 ग्राम है कि 75 ग्राम है। तो ये मैंने थोड़ा सा बचा लिया है और इसमें ही थोड़ा सा मैं देसी घी डाल दे रही हूँ 1 चम्मच। बहुत जल्दी बनती है लेकिन हाँ इसको जमने में थोड़ा सा दोस्तों टाइम लगेगा। देखती हूँ मेरी परसों वाली शायद 2 या 3 बची हुई होंगी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन हाँ ये भी ऐसा तो है नहीं, अगर जम जाएगी थोड़ी जमे शायद मेरी भी कमी होगी, बहुत से लोग दिखा देते हैं लेकिन मैं यहाँ इसीलिए नाप तोल के हर चीज की बात करती हूँ। ये देखिए हो गया है, ये सारी जो ड्राई फ्रूट है वो सब आपके ऑप्शनल होते हैं, आपकी जो मर्जी हो आप डालिए, है ना। इस बहाने हम लोग थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खा लेते हैं। ये देखिए ये हो रहा है, अब मैं इसको बंद कर रही हूँ। ये देखिए थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल दिया मैंने, ये देखिए। और ये देखिए हो गया, ये देखिए ये कर रही हूँ मैं ये इस तरह से। और इसके ऊपर बहुत गर्म है अभी तो, ऐसे कहते हैं ना काम करने के लिए पापड़ भी ले जाते हैं, उस तरह से ये चिक्की जो है वो बेलन से बिल रही है। मैं बता रही हूँ कि हम लोगों को इतना नहीं मीठा खाना चाहिए और फिर भी हम लोग जो है वो हम उसे खा गए, इसीलिए कम बनाई है। ये दोस्तों देखिए जम जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है। ये मैं यहाँ ही रख देती हूँ अभी तो,
अब दोस्तों मेरा ढोकले का थोड़ा तो फूल ही गया होगा, देखती हूँ मैं। 1/4 कप ओट्स का आटा लिया है, जो मैंने इसको ऐसे ही मतलब पीस दिया हल्का सा 2 मिनट रोस्ट करके, और 1/4 कप सूजी ली है और 1/4 कप दही लिया है। अब इसमें और क्या क्या डालूंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये दोस्तों है, इसमें मैं ये देखिएगा, ये ऑप्शनल है, मैं आधा से थोड़ी सी कम चीनी डाल रही हूँ, चीनी का पाउडर डाल रही हूँ ये, और ये 1 टीस्पून ये अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, जिसको कि मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, ठीक है, ये हो गया। और अब मैं इसमें डालूंगी, ये है मेरा बारीक कटा पालक, तो ये जाएगा 1/2 कप। दोनों चीजें मिलके 1/2 कप हो गई थी ना, तो ये देखिए, ये मैंने बारीक काट के धो के रखा है, ये देख लीजिए, ये इसमें मैंने पालक डाल दिया, और थोड़ा सा धनिया डालूंगी। धनिया आप लिबरली आप डाल सकते हैं ज्यादा, और थोड़ा तड़का मैं अभी दूंगी और थोड़ा बाद में लगाऊंगी इसको। ये मैंने हल्का सा तेल लगा के रख दिया है, इसको मैं इसमें रख रही हूँ ताकि ये भी थोड़ा सा गर्म हो जाए, गैस मैंने धीमी कर दी है, और पानी मैं जो हूँ इसी में मिला के थोड़ा सा डाल देती हूँ पानी। और मैं 2 टीस्पून जो है वो तेल डाल दिया है, ठीक है। ये बड़ी मुश्किल से मैं अपनी पत्तियां निकाल के लाई हूँ, थी नहीं, सब सर्दी की वजह से यहाँ पर, ये देखिए ये है, इसमें ये गर्म हो जाए तो इसमें मैं थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी राई डालूंगी मैं, और फिर थोड़ा जीरा, थोड़ा राई और ये करी पत्ता, इसका एक तरह से छौंक करेंगे, हाँ, तड़का ही है ये, तड़का उसमें लगा देंगे तो में, इससे कि इसकी जो और ये थोड़ी सी हिंग, ठीक है, ये देखिए। अब मैं क्या काम करूंगी, ये मैंने 1/2 चम्मच के लगभग इनो लिया है, ये मैंने इसमें डाला, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं ये, मैं सब नहीं डालूंगी, थोड़ा ऊपर के लिए भी छोड़ूंगी ऊपर से सजाने के लिए, और ये मैंने डाल दिया, ये देखिए हो गया। इसको मैंने सोचा कि इसको मैं बाद में डालूंगी, ये देखिए, ये देखिए, ये इस तरह से होता होना चाहिए, क्योंकि ओट्स थोड़ा स्टिकी होता है। तो अब मैंने इसको गर्म कर लिया है, ये देखिए, और ये स्टीम के साथ ये ढोकला तैयार हो जाएगा थोड़ी देर में। ये देखिए, इस पे ढक्कन भी लगा दिया गया है, और अब छोटी गैस पे फुल पे शायद रखा जाएगा, हो गया, ये काम मेरा फिनिश। ओट्स के कटलेट, तो एक तो ये मीठा हो गया, और एक ये नमकीन ये हो गया, और एक कटलेट जो है वो भी मिठाई, नो सॉरी नमकीन होएगा वो, तो अब कटलेट की तैयारी होगी पहले, और उसके बाद कटलेट बनेंगे। 1/4 कप मेरे बीन्स हैं, 1/4 कप गाजर है, और 1/3 कप मेरी ये मटर है, तो इनको 1/2 टीस्पून तेल में जीरा डाल के मैंने 1 सीटी लगा ली है।
आपको लगे बिल्कुल जैसे ये बिल्कुल सूखे से हो रहे हैं तो आप एक चाय का चम्मच पानी डाल दीजिए ताकि ये गल जाए। ठीक है, तो अब इनको मैं इसमें निकाल लूंगी, मुझे ध्यान नहीं रहा। ये देख लीजिए, इसको मैंने इसमें निकाल लिया। अब इसमें और क्या क्या डालने वाली हूँ ये भी देख, मैं घड़ी देख रही हूँ साथ साथ में। मैंने इसलिए किया था ताकि फिर टाइम थोड़ा सा मिल जाए, अगर उस तरह से करूंगी तो मुश्किल हो जाएगा। तो अब मैं इसमें डालूंगी, ये देखिए ये मेरा पनीर है, ये लगभग 50 ग्राम है, तो पनीर भी इसमें मैं मिला दे रही हूँ पहले। और अभी आप घबराइए नहीं, इसमें वो भी पड़ेगा, ओट्स ओट्स भी पड़ेंगे, अभी ओट्स लगभग आधा कप पड़ने चाहिए, या उससे हो सकता है कि थोड़े कम पड़े। मैं भी ये देखिए हो गया, और ये भी जो है ये हर एक के लिए बहुत अच्छा है। देखिए देखती हूँ इसमें कितनी बनती है, और मैं उधर वो चढ़ा दूंगी तवा सेकने के लिए। 1/4 कप हमारा जो था वो अभी वो निकलेगा, आप देखिएगा उसको। तो 1/4 कप हमारा ये कुकर ओट्स था जिसको कि मैंने लगभग 4 मिनट भूना था, और ये देखिए कैसे फूल रहा है। इसमें तीन चीजें आज बनी, एक तो ओट्स की चिक्की, दूसरा ओट्स का ढोकला, और तीसरा जो अब तैयारी चल रही है जिसके लिए ये फ्राई पैन रखा हुआ है गैस पर, ये बनेंगी ओट्स की टिक्की या ओट्स के कटलेट। आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, कटलेट भी कह सकते हैं, टिक्की भी कह सकते हैं। और ये देखिए उसमें फ्राई पैन में घी डाला गया है, तेल डाल दिया। अब आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए रेसिपी। ये 1/4 कप है, ये मैंने कुकर ओट्स लिए थे 1/4 कप, इनको मैंने बिना तेल घी डाले इनको रोस्ट किया था लगभग 4 मिनट लो टू मीडियम गैस पर। और उसके अलावा इतनी ही मात्रा में मैंने, मतलब उसके अंदर 5-6 बादाम थे, 3-4 अखरोट थे, उनको छोटा स्लाइस कर लिया था, 2-3 पिस्ता आ गए थे ऐसे, उन सबको स्लाइसेस किए हुए थे, और 2 टेबलस्पून के लगभग डेसिकेटेड कोकोनट था, 1 टेबलस्पून हमारा खरबूजे की मीठ थी। ये सामग्री मैंने इसके अंदर डाली है, और ये टोटल सामग्री 25 ग्राम ओट्स, 25 ग्राम ड्राई फ्रूट्स जो कटे हुए थे, चाहे कटे हों बिना कटे हों, मतलब बात उसकी कर रही हूँ मैं, और हमारा लगभग 60 ग्राम के लगभग हमारा गुड़, और 1 टेबल स्पून के लगभग घी, देसी घी। ये सामान हमारा लगा था, तो ड्राई रोस्ट पहले कर लिए, फिर 1 टीस्पून घी में मैंने ड्राई जो ड्राई फ्रूट थे हमारे कटे हुए ना, उनको हमने रोस्ट किया, फिर उसी में रोस्ट किए हुए ये डाल दिए थे हमने अपने ये ओट्स, और उसको निकाल के फिर मैंने बचे हुए 2 टीस्पून के लगभग घी में लो टू मीडियम गैस पर गुड़ पिघलाया, उसमें सारी चीजें मिलाई और उसको जमा दिया। ये इस तरह से है, ये अभी ठीक से जमा नहीं है, मैंने फ्रिज में तो रख दिया था, लेकिन फिर भी मैं इसको ठीक से कटेगा भी नहीं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी। ये है इसके बनाने का तरीका। देखिए ढोकला,
और ये देखिए उसके ऊपर थोड़ा सा अभी ये गर्म है, अगर मैं अभी इसको काटूंगी ना तो ये टूट जाएगा, इसलिए नहीं काट रही हूँ। वैसे तो मौसम ये चिक्की को काटा जा रहा है बर्फी के साइज में। ये देखिए ये प्लेट में ओट्स के कुछ मीठे कुछ नमकीन, इस टॉपिक को चरितार्थ करते हुए ये प्लेटिंग। दोस्तों ये है हमारी चिक्की, ठीक है, तो ये देखिए, और ये इतना इस तरह से है कि आप जो है आराम से खा सकते हैं, खिला सकते हैं। ये ऐसा नहीं है जिसके मतलब कहते हैं ना कि ये सीनियर सिटीजन भी आराम से खा सकते हैं। ओट्स ड्राई फ्रूटी चिक्की, ओट्स का ढोकला विद पालक और ओट्स के कटलेट। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये तीनों रेसिपीज जरूर पसंद आई होंगी और गृहलक्ष्मी के साथ आप जरूर जरूर जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।